सावनेर में सातवां विश्व योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामराव मुवाड़ी और नगर सेवक एवं तालुका के महामंत्री तुषार उमाती की उपस्थिति में उत्साह के साथ मनाया गया। यह विशेष सत्र भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रोटोकॉल के अनुसार पतंजलि योग समिति तालुका सावनेर के प्रभारी किशोर धुंडले द्वारा आयोजित किया गया और विश्व योग दिवस के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर महिला पतंजलि योग प्रभारी लता धवले, पतंजलि योग समिति की योग शिक्षक आशा धुंडले, प्रज्ञाताई बांकर, युवा भारत के साहिल धवले, युवा भारत के सचिन नेता शुभम धवले आदि ने भाग लिया। पूरे देश में कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने सातवें विश्व योग दिवस को परिवार के साथ घर पर या सीमित उपस्थिति में योग एट होम थीम के अनुसार मनाने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम योग समिति के 5 संगठना पदाधिकारियों ने काली माता मंदिर वागमारे लेआउट काटोल रोड तालुका योग एक्सटेंशन लता धवले स्थित अपने घरों में अपनी नियमित योग कक्षा में सभी पदाधिकारियों के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया। देश रोग मुक्त और स्वस्थ रहा पतंजलि सावनेर समिति तालुका प्रभारी किशोर धुंडले, आशा ठंडेले, लता धवले, बदन्या बांकर, सचिन नेता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष पिंटू सातपुते 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परिसर में सुभाष प्राथमिक विद्यालय के राजेश बोड़के, आनंद श्रीवास्तव, अभिषेक सातपुते, तोशिक मोहदे, बदन्याकर कामोने, शेखर मोहदे, प्रज्वल कामले, बंटी सातपुते, शुभम धवले, विष्णु भोयर आदि की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पतंजलि योग पीठ मुख्य योग शिक्षक किशोर धुंडले ने कोरोना काल में पूर्ण ढील देने की बात कही। जब उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों में मुफ्त योग शिविर लगाने का फैसला किया, उसी कार्यक्रम के अध्यक्ष रामराव मोवाड़ी ने कहा कि सभी को यह कहकर योग करना चाहिए कि उनका शरीर उपयोगी है। योग के माध्यम से स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए बंटी उर्फ तुषार उमाती ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। सावनेर तालुका की महिला प्रभारी लता धावले ने कार्यक्रम का संचालन किया। भारतीय जनता पार्टी के शहर युवा अध्यक्ष पिंटू सातपुते ने आभार व्यक्त किया। जो योग दिवस की स्थापना की और दुनिया ने माना कि योग दिवस जरूरी था, इसी माध्यम से सभी शाखाओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी हर जगह पे आज योग दिवस मनाया गया, ताकि कोरोना काल में भी योग का काफ़ी असर दिखा, इसीलिए सभी तंदुरुस्त रहे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने योग दिवस मनाने की सभी को आदेश दिया और यहाँ सावनेर में और सुभाष स्कूल में मनाया गया। योग करने से जो मानवीय शरीर में जो अपनी जो नस नाड़ियाँ होती है वो शुद्धिकरण होती है, और योग करने से आदमी निरोगी तंदुरुस्त रहता है, और योग करने से आदमी को एक ऊर्जा प्राप्त होती है करके सब लोगों ने योग करने को होना, और अच्छे अपन खुद और सबको तंदुरुस्त रहने की सलाह देने को होना। BCN न्यूज़ के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।